उत्तर प्रदेश के कस्बा हंडिया में रविवार को आगामी 2024 के चुनाव को लेकर पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन का जोरदार एवं विशाल आयोजन हंडिया पॉलिटेक्निक के प्रांगण में किया गया। महासम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश गांधी और आयोजक मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है यह मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता के संघर्ष का दिन है। इस जन सैलाब से लगता है कि समाज अब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आज देश और प्रदेश में देखा जाए तो गुंडा राज खत्म हो गया है। इस महासम्मेलन के दौरान मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर तैयारी रहती ही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर चुनाव के मूड में ही रहते हैं, तो तैयारी तो 2024 को हो रहा है। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीट जीतने वाली है। रही बात वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि हमारे समाज से प्रतिनिधि हो, तो वैश्य समाज भी चाहता है कि हमारे समाज से ज़्यादा प्रतिनिधि हो। तो उसमें हक और अधिकार की लड़ाई तो हर समाज करता है, तो वैश्य समाज भी अब जागा है तो वैश्य समाज भी कर रहा है अपने हक और अधिकार की लड़ाई।